पूरे दिन भर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसी बहुत सारी विषैली गैस आज पर्याप्त मात्रा में वातावरण में मौजूद है, ठीक है ना। अब उनका अगर अवशोषण हो रहा, यानी कि आप उसको इनहेल करने से बच रहे सिर्फ एक वृक्ष के कारण, ठीक, तो ये कितनी बड़ी बात है। और आपको ये बता दें, सिर्फ एक बड़ा बरगद का वृक्ष आपके आसपास की 1 किलोमीटर दूर की सारी विषैली गैसों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है और उतनी जगह पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है ना। जो बेस्ट क्वालिटी की ऑक्सीजन होती है, अभी आपने देखा जब कोविड आया ऑक्सीजन के लिए मारामारी होती है ना, मची थी कि नहीं मची थी। और अगर हमारे झांसी के आसपास इतने वृक्ष नहीं कटे होते तो आप लोग विश्वास रखिए कोविड से जितनी मौतें हुई इतनी मौतें भी नहीं होती, क्योंकि आपके फेफड़े स्ट्रांग होते। केवल उन्हीं पे अटैक हुआ जिनकी इम्यून पावर बहुत अच्छी नहीं थी, बूस्ट अप नहीं थी, जिनकी इम्यून पावर कहीं ना कहीं कमजोर थी। किसी भी देश की संपदा में वन संपदा का 33% योगदान होना चाहिए, मतलब जितनी भी धरती है उस धरती का 33% भाग वन होना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने देश में 33% भाग पर वन होंगे? किसी को मालूम है क्या कितने परसेंट पे होंगे? लगभग नहीं मालूम। इस समय हमारे देश में केवल 21% वन है और 1917 में 1% वन बढ़ाए गए थे, बड़े थे, वास्तव में बड़े थे, लेकिन उसकी जो कमी आई जब से बोलने चालू हुई, बड़े बड़े बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, ये सारे काट दिए गए सड़कों के किनारे से, तो हम पता चला 1% और पीछे पहुंच गए।